हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे। टाइटल और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंस्टाग्राम में थिएटर, जो आपका जो है थिएट करने वाला एक नया ऑप्शन आपको देखने को हर जगह मिल रहा है। तो आप इसका अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आप इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से चला सकते हैं, आज आपको इस टॉपिक पर जो है वीडियो फुल तरीके से देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी, यदि आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो, ऐसा कंटेंट और भी आगे आपको देखने को मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने इंस्टाग्राम पर आ चुका हूँ। यहाँ आने के बाद मेरे सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। अब दोस्तों, मैं सिंपल से अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए थ्री डॉट दिख रहा है, आपको सिंपल से उस पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ देखिए इस तरीके के थ्रेड्स ऑप्शन लिखा हुआ है, ये देखिए दूसरे नंबर पर ही दिया गया है। और ये क्या होता है आप इस वीडियो में आगे पूरा जानने वाले हैं, तो वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना। अब यहाँ आने के बाद सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से जैसे क्लिक करते हो तो देखिए इस तरीके का इसका लोगो है, मतलब आपको शो हो रहा है और आपका यूजर नेम भी शो होने लगता है। तो यहाँ हम गेट थ्रेड्स पर जो है क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, करना हो तो आप जिसे देखिए वहाँ से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन पर इसकी लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसे ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका यहाँ इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ रहा है, तो आगे आपको इसकी फुल जानकारी मिलने वाली है कि आप यूजर नेम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको स्विच अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने का जितने भी आपके पास अकाउंट है आप उससे खोल सकते हैं। तो मैं अपने पर्सनल अकाउंट से ही आज आपको खोल के जो है अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। तो मैं सबसे ऊपर वाले अकाउंट को क्लिक करता हूँ। इस तरीके से आपको भी इस तरीके से क्लिक करना है, ध्यान से वीडियो को देखना है। इस तरीके से आपको देखिए प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल आ चुकी है। यहाँ पर आपका नेम दिया हुआ है, नेम मतलब आप यहाँ चेंज नहीं कर सकते, यहाँ डायरेक्ट ही लिखा है। यदि आपको नेम चेंज करना है तो वीडियो में भी बने रहना। और यहाँ देखिए नीचे बायो वाला ऑप्शन है, आप यहाँ बायो भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो। यदि आपको इंस्टाग्राम का यहाँ लिखना है तो आप यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट बायो फ्रॉम इंस्टाग्राम पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ जैसे क्लिक करते हैं आपके इंस्टाग्राम में जैसा लिखा होगा आप वैसा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको इस तरीके से डन कर देना है। डन करने के बाद देखिए ऐड लिंक भी यहाँ दे सकते हैं, जैसे चैनल लिंक हो गई या किस चीज़ की भी लिंक आपको देना हो आप यहाँ दे सकते हैं। उसको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। यदि आपने इंस्टाग्राम में दिया हो तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो वो लिंक आ जाएगी, मैंने वैसे दिया नहीं। अब इतना करने के बाद देखिए इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंस्टाग्राम, आपको सिंपल से उस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आर यूर इस पर आपको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करते हैं नीचे एक ऑप्शन आ जाता है कंटिन्यू वाला, तो आपको सिंपल से उस पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ कंटिन्यू करते हो आप देखिए यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है प्राइवेसी का, यानी कि आप अपने अकाउंट को प्राइवेट रखना चाहते हैं या पब्लिक रखना चाहते हैं। तो जैसा आपको इंस्टाग्राम में रखा हो वैसा भी यहाँ मिल सकता है। तो मैं सिंपल सा जो है पब्लिक ही रखता हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को, वैसा इस पर भी करूँगा। तो पब्लिक मेरा सेलेक्ट है, इस पर हमको कंटिन्यू वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ देखिए फॉलो द सेम अकाउंट यू आर फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। अब आपने जितने भी वहाँ फॉलो किए होंगे इंस्टाग्राम पर आपको वो भी यहाँ शो होने लगेंगे, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप फॉलो आल पर क्लिक करते हैं तो ये सभी जो है फॉलो हो सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए जॉनी जो है ट्रेडर्स लिखकर आ चुका है, आपको सिंपल से उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको जो है ट्रेडर अकाउंट बन चुका है कम्प्लीट। अब दोस्तों आप लोग ये सवाल बहुत करते हो कि आप यूजर नेम चेंज किस तरीके से कर सकते हो। तो यूजर नेम दोस्तों आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल पर जाकर चेंज करना पड़ेगा, तभी इसका चेंज होगा, यहाँ से आप नहीं कर सकते। अब इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है, आपको अलाउ वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्लू टिक कुछ लोगों के, तो ये जो इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक जिसके पास है वो आपको यहाँ मिल जाएगी उसके अकाउंट पर, आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। फिर आप ये देखिए इसका इंटरफेस जो है ट्विटर जैसा है, जैसा आप ट्विटर यूज करते हैं उसी प्रकार का, आप जैसे ट्यूट कर देते हैं कहा जाता है ट्यूट करना, तो आप यहाँ थिएटर करना कह सकते हैं। इस तरीके का ये ऐप्स है और इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ से देखें आप प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं, जो जो भी आप
आपको करना हो आप वो ट्यूटर जैसे यहीं कर सकते हैं। तो आई होप जो मैं इस वीडियो में आपको बताने एवं समझाना चाहता था आपको समझ पर आया होगा। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प या थोड़ा सा भी मदद मिलती है ना, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी वीडियो ऐसा कॉन्टेंट और भी आगे आपको देखने को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।